आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में भगवान परशुराम मंदिर के प्रांगण में बनने वाली धर्मशाला के भूमि पूजन में बतौर मुख्य यजमान शिरकत की और धर्मशाला की नींव का पत्थर रखा। इस मौके पर भगवान श्री परशुराम दल के प्रधान नरेंद्र देव शर्मा ने राज्य मंत्री द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ साथ उन्होंने मांग की कि भगवान परशुराम धर्मशाला के निर्माण के लिए ग्रांट उपलब्ध करवाई जाए। जो पिछली बार परशुराम जयंती पे मंत्री जी हमारे मध्य आए थे, इन्होंने 11 लाख रुपए पिछली बार दिए थे और 1 लाख रुपए चौकी और 5 लाख रुपए इन्होंने और घोषणा की थी कि मैं दूंगा। 11 लाख रुपए इनके हमारे पास आ गए हैं, वो 11 लाख रुपए से आज आपके सामने कार्य शुरू हो गया है। और मंत्री जी ने कहा था कि ये कार्य रुकने नहीं दूंगा, आप इसको भव्य एक धर्मशाला का निर्माण करो। वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने और सामाजिक कुरीतियों को समाज से दूर करने के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि धर्मशालाएं समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए काम आती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि नारायणगढ़ शहर में स्थित सभी धर्मशालाओं में यथासंभव आर्थिक सहयोग किया जाएगा। आज जिन्होंने ये भगवान परशुराम के लिए जो धर्मशाला उसका आज नहीं पत्थर रखा गया है, मैं भगवान परशुराम सेवा दल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और समाज के जो व्यक्तित्व हैं, क्योंकि जो धर्मशालाएं हैं वो एक समाज के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए उपयोग में आती हैं, कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा भगवान परशुराम के नाम से जो आज यहाँ धर्मशाला का नींव पत्थर रखा गया है, इसकी मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम कर रही है। हरियाणा के जनता के अनुरूप बजट आने वाला है, जिसका हरियाणा के हर वर्ग को उसका लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केंद्र का बजट था, जिससे समाज के हर वर्ग को उसका सीधा सीधा लाभ मिला, इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी जो बजट आने वाला है वो हरियाणा की जनता के अनुरूप आएगा, जिसका उनको सीधा लाभ उसका मिलने वाला है। सत्य खबर के लिए नारायणगढ़ से सरिता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।